पूरे आगरा शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान शहर के कई हिस्सों से विशेष शोभा यात्रा भी निकाली गई। हर्षोल्लास के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने इस शोभा यात्रा में भाग लिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर बाबा साहेब की शोभा यात्रा भी निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। लोगों को बाबा साहेब की उपस्थितियां एवं उनके द्वारा किए जाने वाले संघर्षों के बारे में बताते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे लोग संविधान के प्रति जागरूक हों। देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दलित पिछले दबे कुचले लोगों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया और संविधान लिख करके और सभी एक आम नागरिक को अधिकार दिलाए, उनके जन्मदिन के पर्व अवसर पर ये मेला आयोजित पूरे जिले आगरा मंडलों में आयोजित किया जाता है, जिसे भव्य रूप से सभी समाज के लोग एकजुट होकर मनाने का काम करते हैं और अपनी एकता का परचम लहराते हैं। मंच पे क्या क्या उनके लिए कर रखा गया? मंच पे ये जन्मदिन गरीबों के लिए फल कपड़े और निकलने वाले ये झांकी जो निकाली जाती हैं उनके लिए उनका सम्मान सेला और जो भी मिठाई आदि रूप से जो भी व्यवस्था बनती है मंच के माध्यम से उनका भव्य स्वागत किया जाता है। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा में पुलिस की अहम भूमिका रहती है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के तहत मुस्तैद रहती है। जहां जहां से यह शोभा यात्रा निकाली जाती है वहां पर विशेष तरह की सजावट और मंच लगाए जाते हैं, जिनमें बाबा साहेब का गुणगान होता है। इसके साथ ही विशेष झांकी को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।